व्यूअर्स, हम आपका वेलकम करते हैं अपने चैनल माय सिटी फूड सीक्रेट में। माशाल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह आज हमने बनाया मज़ेदार सा चिकन पुलाव। इसे बनाना बहुत ही आसान है, बहुत ही जल्दी बन जाता है। आप भी इस रेसिपी को ज़रूर ट्राई करें और अगर आपको हमारी ये रेसिपी पसंद आए तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें, दोस्तों के साथ शेयर करें, बेल आइकन का बटन दबाना मत भूलें ताकि हमारे आने वाली वीडियोस का नोटिफिकेशन आपको मिल सके। और कमेंट सेक्शन में लाजमी बताएं कि रेसिपी आपको कैसी लगी। तो चले चलते हैं रेसिपी की तरफ कि इसमें किन किन चीज़ों की ज़रूरत है और इसे कैसे बनाते हैं। आधा किलो चिकन लिया हम लोगों ने, आधा किलो चावल, 1 टेबल स्पून नमक, हाफ टी स्पून लाल मिर्चों का पाउडर, हाफ टी स्पून काली मिर्चों का पाउडर, 1 टी स्पून ज़ीरा, एक अदद बड़ी इलायची, 2 से 3 टुकड़े दालचीनी के, एक अदद बड़ी साइज की टमाटर का छिलका उतारकर इन्हें बारीक बारीक काट लिया, 2 से 3 अदद हरी मिर्चें, इन्हें दरमियान में से कट लगा लिया, एक अदद बड़े साइज की प्याज, 2 से 3 चम्मच दही, 1 टीस्पून अदरक लहसुन का पेस्ट। चलें अब इसे पकाना स्टार्ट करते हैं। एक पैन ले लिया, इसमें बड़ा चम्मच ऑयल का डाल दिया, ऑयल अच्छे से गर्म हो गया। अब इसमें प्याज डालेंगे और प्याज को गोल्डन ब्राउन करेंगे। प्याज बहुत अच्छे से गोल्डन हो गया। अब इसमें चिकन डालेंगे। चिकन को 2 से 3 मिनट फ्राई करेंगे। चिकन अच्छे से फ्राई हो गया। अब इसमें अदरक लहसुन का पेस्ट डालेंगे और 1 मिनट के लिए भूनना है। अदरक लहसुन का कच्चापन खत्म हो गया। अब इसमें टमाटर और हरी मिर्चें डालेंगे और मज़ीद 2 मिनट भून लेंगे। अब इसमें तमाम पाउडर मसाले और खड़े मसाले डालेंगे। 1 मिनट के लिए भून लेंगे। मसाले अच्छे से भून गए। अब इसमें दही डालेंगे। अच्छी तरह मिक्स करके इसका पानी खुश्क होने तक पकाएंगे। दही का पानी खुश्क हो गया। अब इसमें पानी डालेंगे। ये वाले 2 गिलास चावल थे, इसलिए 3 गिलास पानी डालेंगे। अब इसका ढक्कन ढककर उबाल आने तक पकाएंगे। पानी में उबाल आ गया। अब इसमें चावल शामिल करेंगे। चावलों को आधा घंटा पहले हमने भिगो दिया था। अच्छी तरह मिक्स कर लेंगे। और और तेज़ आंच पर इसका पानी ड्राई होने तक पकाएंगे। चावलों का पानी तकरीबन खुश्क हो गया। अब इसका ढक्कन बंद करेंगे। चूल्हे की आग बिल्कुल लो कर लेंगे। नीचे एक तवा रखेंगे और 4 से 5 मिनट के लिए इसे हल्की आंच पर दम देंगे। दम का टाइम पूरा हो गया। अब ढक्कन उठा लेते हैं। बहुत ही ज़बरदस्त सी खुशबू आ रही है और क्विक चिकन पुलाव हमारा बिल्कुल रेडी है। अब इसे हम डिश आउट कर लेते हैं। जी व्यूअर, हमारा मज़ेदार सा क्विक चिकन पुलाव बिल्कुल रेडी है। इसी वजह से ये क्विक है क्योंकि बहुत ही जल्दी बन जाता है, बहुत ही टेस्टी और मज़े का बनता है। आप भी इस रेसिपी को ज़रूर ट्राई करें और अगर आपको हमारी ये रेसिपी पसंद आए तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें, दोस्तों के साथ शेयर करें। बेल आइकन का बटन दबाना मत भूलें ताकि हमारे आने वाली वीडियोस का नोटिफिकेशन आपको मिल सके और कमेंट सेक्शन में लाजमी बताएं कि रेसिपी आपको कैसी लगी। तो मिलते हैं नई वीडियो में नई रेसिपी के साथ। अल्लाह हाफिज़।